दोस्तों 60s के दशक में कपड़ों की धुलाई आज की तरह आसान नहीं था। यह एक टाइम कंज्यूमिंग और काफी मेहनत वाला काम हुआ करता था और इस प्रॉब्लम को आसान किया डिटर्जेंट पाउडर ने। उस दौर में हिंदुस्तान लीवर ही एकमात्र कंपनी थी जो सर्फ के नाम से डिटर्जेंट पाउडर बनाती थी। फिर एक किसान के बेटे करसन भाई पटेल ने ऐसा इन्वेंशन किया कि इंडिया के 60% डिटर्जेंट पाउडर मार्केट पर उनका ही कब्जा हो गया, जिसमें उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ट्रेजेडी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में काफी मोटिवेट किया। लेकिन आज निर्मा के प्रोडक्ट्स मार्केट से गायब क्यों हो गए? अपने बसे बसाए बिजनेस को बर्बाद करके एजुकेशन, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में निर्मा के जाने की वजह क्या है? आज की हमारी वीडियो में हम निर्मा कंपनी के इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब गुजरात के रुपूर में निर्मा कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था। लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं की गई। 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी कंप्लीट करने के बाद करसन भाई एक प्राइवेट कंपनी में लैब असिस्टेंट की नौकरी पर लग गए और कुछ ही समय बाद गुजरात सरकार के माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गुजराती लोगों की रगों में व्यापार दौड़ता है। भरा पूरा परिवार था, बच्चे थे, सरकारी नौकरी थी, लेकिन अक्सर उनके दिमाग में कुछ नया बिजनेस शुरू करने का ख्याल आता रहता था। हालांकि परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि एक सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का रिस्क लिया जा सके, इसलिए वह अपनी इच्छा को मारकर नौकरी करते रहे। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल उनकी एक बेटी थी निरुपमा, जिसे करसन भाई प्यार से निर्मा कहकर बुलाते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे कि पूरे देश में उसका नाम हो। लेकिन अफसोस कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। करसन भाई पूरी तरह से टूट गए। उनके अंदर एक आग सी लगी हुई थी कि भले ही उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा कि भारत में हर कोई उनकी बेटी का नाम जानेगा। करसन भाई एक केमिस्ट थे। उन्होंने जब मार्केट को एनालाइज किया तो महसूस हुआ कि लोगों को एक सस्ते डिटर्जेंट पाउडर की सख्त जरूरत है, क्योंकि अमीरों की डिटर्जेंट पाउडर सर्फ के अलावा मिडिल क्लास के लिए मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। कुछ सस्ते डिटर्जेंट के अगर अवेलेबल भी थे तो उसमें मौजूद फास्फेट और केमिकल्स स्किन और एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक थे। बस दोस्तों, फिर क्या था, करसन भाई को इसमें एक अवसर दिखा और वे तुरंत ही अपने बैकयार्ड में एक डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में जुट गए। और कुछ दिन अलग अलग केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार वे एक जबरदस्त वॉशिंग पाउडर का फार्मूला खोजने में सफल हो गए। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने अपने इसी पीले रंग के वॉशिंग पाउडर को पैक करके निर्मा के नाम से बेचना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्मा के पैकेट पर नजर आने वाली छोटी सी बच्ची कोई काल्पनिक नहीं बल्कि करसन भाई पटेल की बेटी निरुपमा का असली फोटो है। दोस्तों, करसन भाई जहां नौकरी करते थे उनके घर से उसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी, इसलिए वह ऑफिस जाते और आते समय साइकिल पर निर्मा वॉशिंग पाउडर रखकर उसको बेचा करते थे। और जैसे जैसे बिक्री बढ़ती गई, उनको समझ आ गया कि नौकरी और बिजनेस दोनों काम एक साथ करना आसान नहीं है, और इसलिए करसन भाई ने बिजनेस पर अपना फोकस बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। वो अपने बैकयार्ड में खुद वॉशिंग पाउडर बनाते थे, उसे पैक करते थे और गली गली घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। उनके सामने अब नया चैलेंज ये था कि निर्मा को पूरे भारत में एक्सपेंड कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ सेल्समैन हायर किए और दो बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस स्ट्रेटजी पर काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने मार्केट में मौजूद सर्फ वॉशिंग पाउडर के 13 रुपीज पर केजी के सामने अपने निर्मा की कीमत को सिर्फ 3 रुपीज पर केजी रख दिए, क्योंकि उस समय 13 रुपीज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और सस्ते डिटर्जेंट का कोई ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं होने से लोगों में एक मैसेज भी गया कि मिडिल क्लास के लिए भी एक कंपनी मार्केट में आ गई है। हालांकि हिंदुस्तान लीवर ने निर्मा कंपनी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके सामने उस समय निर्मा की कोई हैसियत ही नहीं थी। निर्मा का बिजनेस सिर्फ उनके शहर और आसपास के कुछ गांव में ही चल रहा था, जबकि हिंदुस्तान लीवर का सर्फ डिटर्जेंट एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करके पैन इंडिया बेचा जाने वाला प्रोडक्ट था, जिसका रेट वो 4 गुना गिराकर अपना मार्केट खराब नहीं कर सकते थे। उनकी दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि वह दुकानदार को अपना प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ उधार में देने लगे, यानी कि क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होने पर पूरे पैसे वापस करने की गारंटी। लेकिन निर्मा डिटर्जेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद कोई भी इसे वापस नहीं करता था। फिर क्या था, दुकानदार सर्फ के अलावा निर्मा को भी अपनी दुकान में रखने लगे, और देखते ही देखते निर्मा गुजरात के अलावा बाहर के स्टेट्स में भी बहुत तेजी से बिकने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में करसन भाई की यह स्ट्रेटजी उन्हीं के गले की हड्डी बन गई।
दरअसल रिटेलर्स उनसे माल तो ले लेते थे, सेल भी अच्छी खासी थी, लेकिन समय से पेमेंट करने में आनाकानी करने लगे, क्योंकि उस समय तक कंपनी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाई थी और रिटेलर्स को यह डर था कि माल न बिक पाने पर कहीं उनका नुकसान न हो जाए। और इसका असर ये हुआ कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया और प्रोडक्शन में भी काफी गिरावट आ गई। फिर करसन भाई के एक मास्टर स्ट्रोक ने उन सारे रिटेलर्स को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, कंपनी के कैश फ्लो को पॉजिटिव में लाने के लिए करसन भाई पटेल ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने मार्केट से अपने लगभग 90% स्टॉक को वापस कंपनी में मंगवा लिया और सारा माल वापस आ जाने के बाद उन्होंने अपना पहला टीवी कॉमर्शियल सबकी पसंद निर्मा को लॉन्च कर दिया। इस एड ने मार्केट में तहलका मचा दिया और लोगों पर इस कदर असर डाला कि इस इंडस्ट्री का पूरा गेम ही चेंज हो गया। लोग जब इस एड को देखकर दुकानदार से निर्मा की डिमांड करते थे तो वह किसी भी दुकान पर नहीं मिलता और लोग ये समझते थे कि निर्मा की इतनी डिमांड है कि मार्केट में आते ही बिक जाती है। और जब लोगों के बीच निर्मा का डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गया तो शॉपकीपर्स करसन भाई से निर्मा की मांग करने लगे। जो रिटेलर्स पहले उधार लेने में भी नखरे करते थे, अब वो इसके लिए नगद ही नहीं बल्कि एडवांस पेमेंट करने के लिए भी राजी हो गए। करसन भाई टीवी एड को लगातार चलाते रहे और कुछ हफ्तों बाद निर्मा को मार्केट में फिर से उतार दिए। देखते ही देखते इसकी सेल्स आसमान छूने लगी और 60% मार्केट पर निर्मा का कब्जा हो गया। अगले 10 सालों तक निर्मा की मोनोपोली रही और कोई दूसरा ब्रांड इसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। इसके बाद कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करते हुए कुछ दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसमें निर्मा साबुन का भी नाम आता है, जिसका टीवी एड सौंदर्य साबुन निर्मा भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस तरह अपनी सस्ती कीमत, टीवी कॉमर्शियल और प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होने की वजह से सिर्फ कुछ ही सालों में निर्मा भारत की सबसे कामयाब कंपनीज में से एक बन गई। लेकिन कंपनी जहां 90s में 60% मार्केट शेयर की अकेले हिस्सेदारी रखती थी, इस समय इसका मार्केट सिकुड़ कर 6% के आसपास पहुंच चुका है। तो आखिर आने वाले दिनों में इसने ऐसी कौन सी लापरवाही की जिससे यह कंपटीशन में पीछे रह गया? इसके अलग अलग कई रीजंस हैं। लैक ऑफ इनोवेशन। कंपनी ने आने वाले दिनों में कोई भी नया काम नहीं किया, न ही इसके पैकेजिंग पर ध्यान दिया, न ही कुछ नया दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुराने टीवी एड्स को भी कई सालों तक लगातार चलाते रहे, जिससे लोगों को नएपन का कुछ एहसास ही नहीं हुआ। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने खोए हुए मार्केट को वापस पाने के लिए नए नए इनोवेशन करती रही, पैकिंग को अट्रैक्टिव बनाया और साल 1988 में व्हील को मार्केट में उतार कर निर्मा को मात दे दिया। द इकोनॉमिक सिचुएशन। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, जिससे उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई और इसका नतीजा यह हुआ कि अब लोग अपने स्टेटस की वजह से निर्मा को सस्ती समझकर खरीदने से इनकार करने लगे और महंगे डिटर्जेंट पाउडर को खरीदने लगे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। असल में निर्मा ने वॉशिंग पाउडर की सक्सेस के बाद ब्यूटी सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और शुद्ध नमक जैसे कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए और देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च करने और नई कंपनीज में इन्वेस्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपने मेन प्रोडक्ट डिटर्जेंट पाउडर पर ध्यान ही नहीं दिया, जो इसके डाउनफॉल का एक मेन रीजन माना जाता है। वीक एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, निर्मा की सक्सेस स्टोरी ही एक टीवी एड से शुरू हुई थी, लेकिन आगे के आने वाले सालों में इसने अपने विज्ञापन में कई मिस्टेक किए। जैसे ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार से कंपनी ने निर्मा वॉशिंग पाउडर का एड कराया, जो डोमेन पूरी तरह से महिलाओं का था। उसमें इंडियन सुपरस्टार्स को लोगों ने पसंद नहीं किया, जो इसके डाउनफॉल की एक वजह भी मानी जाती है। आप खुद सोचिए कि निर्मा का कोई भी नया एड आपको याद नहीं होगा, लेकिन 35 साल पुराना एड आज भी आपको याद है। टफ कंपटीशन। इन सभी के अलावा निर्मा के फेल होने का एक और रीजन था मार्केट में चल रहा टफ कंपटीशन। कंपटीशन में मौजूद थे ITC, HUL और गोदरेज जैसी बड़ी कंपनीज, जिसको निर्मा आज के डेट में बीट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, निर्मा भले ही अपने डिटर्जेंट पाउडर और पर्सनल केयर बिजनेस में अपना मार्केट शेयर खो चुकी है, लेकिन ये कहना कि निर्मा ग्रुप खत्म हो गई बिल्कुल गलत है। करसन भाई और उनके दोनों बेटे राकेश और हीरन भाई पटेल ने मिलकर आज निर्मा ग्रुप को कई सेक्टर्स में एक लीडिंग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। साल 2003 में गुजरात के अहमदाबाद में निर्मा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जिसमें आज 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। 2004 में स्टार्ट हुई निर्मा की फार्मेसी कंपनी, जिसका नाम है नीर लाइफ। निर्मा ने अपना नमक लॉन्च किया, जिसका नाम था निर्मा शुद्ध। और 2014 में स्टार्ट हुआ निर्मा का सीमेंट बिजनेस नुओ को, जो आज इंडिया के 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है। दोस्तों, आज निर्मा का विशाल बिजनेस एम्पायर करसन भाई के दिन रात की उस मेहनत का ही नतीजा है, जो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किया था। बेटी की मौत से वो टूटकर बिखरे नहीं, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़े, मार्केट की जरूरतों को समझे और निर्मा को एक ब्रांड बना दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।